सत्संग जी, प्यार से कहना अहंकार, सेवा भी कर सकें, सुमिरन भी अधिक से अधिक करें और सत्संग का भी ये जो इतना हमें सौभाग्य मिला है तो इसमें भी आके एक असल रूप में इस निरंकार, इस परमात्मा के साथ ऐसे जुड़ जाएं कि ये लिफ कभी टूटे नहीं और हमेशा हम चाहे कोई भी कार्य कर रहे हों, जिस प्रकार हमारे श्वास चल रहे होते हैं और कार्य भी होते रहते हैं साथ साथ, वैसे ही हम इस तरह इस प्रभु निरंकार के साथ एकमिक हो जाएं कि कुछ भी हो पर इसी में ही जी रहे हैं, ये एहसास बना रहे। तो आज ये जो हरदेव वाणी का जो ये शब्द चल रहा है तो उसकी पंक्तियाँ, हाँ जी, बंदे में गर भाव बदी का बन जाता शैतान है। तो कैसे मनुष्य को ये बात बताई जा रही है कि मन के भाव जो इंटेंशन होती है और उसमें अगर क्या है, अगर हमारे यहाँ जो एक इंटेंशन है, एक हमारा भाव है, उसको कर्म के साथ हमें जोड़ना होता है। अगर हमारे मन में कोई ऐसा एक इंटेंशन आ गया है कि हम ये करना चाह रहे हैं तो वो सिर्फ ख्याल रूप तक ही तब तक है जब तक उसको हमने कर्म का पार्ट नहीं बना दिया, कर्म में ढाल नहीं लिया, तो वो फिर एक हमारी नियत, हमारा करने का जो मन का भाव है वो उस तरह हो जाता है कि जैसे एक इंसान अगर गलत सोचेगा तो फिर वो गलत ही करेगा, अगर वो पतन की ओर जाएगा तो फिर एक उसके कर्म उसको और नीचा धकेलेंगे। तो बात सिर्फ सोच की है, मन की है, मन में ऐसे बुरे ख्याल अगर आएंगे तो ही हम गलत काम भी करेंगे। और उसी को अगर हमने ऐसा देखना है कि हमें गलत काम से दूर रहना है, हमें अगर उस तरह अपने जीवन को एक खुशबूदार फूल की तरह रखना है तो हम अपने ख्याल में, अपने जहन में ही ऐसा कुछ आने नहीं देंगे जो आगे चल के हमारे कर्म में बन जाए। हाँ जी, भाव अगर है नेकी वाला बन सकता भगवान है। तो यहाँ भाव फिर से, यहाँ विपरीत एक जो एक अच्छा भाव है तो वो देखें कि कैसे वही इंसान अगर हो पर मन में उसके जो भाव आ रहे हैं वो अच्छाई के लिए आ रहे हैं, कुछ अपने लिए अच्छा, पूरे समाज के लिए अच्छा, अपने मन को और एक सुंदर रूप देने का, अपने ये जीवन में मानवीय गुण भरने का जब भाव है तो फिर उसकी तुलना एक भगवान रूप के साथ यहाँ तक कर दी है। जैसे हमने वो भी उदाहरण देखा हुआ है भाई कन्हैया का कि ये मन का भाव ही है कि चाहे युद्ध के समय दो अलग सेनाएं हैं और जो जो भी जिनको चोट लगी, जो जो बेहोश हो के गिरे या ऐसी हालत हुई शरीर की, तो भाई कन्हैया ने सभी को पानी पिलाया क्योंकि यही मन का भाव कि सभी अपने हैं। तो फिर ये बात वही है, मन के भाव पे आधारित हो रही है कि ये मन के भाव ही हैं अगर हमारे स्वच्छ तो हमको वो एक भगवान का दर्जा भी हमारे अंदर ये आ रहा है कि एक मनुष्य होते हुए हमारे कर्म एक इतने ऊंचे हैं। और यहाँ वही अगर हमारा एक मनुष्य होने के बावजूद हम अपने ऐसे कर्म करें जिससे हम दूसरों को एक चोट पहुँचाएँ तो फिर हमारा इंसान का चाहे एक आकार वो है पर साथ में यही कहा जाएगा कि ये मनुष्य नहीं, ये शैतान है। हाँ जी, डाकू व डॉक्टर दोनों के हाथ में होता चाकू है। तो जब अगर कोई इंसान अपना इलाज करने जा रहा है डॉक्टर के पास और वो जो एक सर्जरी होती है तो डॉक्टर के हाथ में एक सर्जिकल नाइफ होती है जिससे उसको वो शरीर को काटना होता है और वो अंदर जो भी शरीर के खराबी है उसको सही करना होता है। और वहीं अगर कोई चोर लुटेरे डाकू की बात आती है, चाकू तो उनके हाथ में भी होता है। अब ये दोनों चाकू तो चाकू ही हैं, चाकू का उसमें कोई दोष नहीं है, वो तो जिसके हाथ में है, अगर कोई डॉक्टर के हाथ में है तो वो एक परोपकार का काम कर रहा है वो चाकू, वो किसी का शरीर ठीक करने के काम आ रहा है। और अगर वही चाकू एक डाकू के या किसी के ऐसे मन में है जिसके भाव ठीक नहीं है
तो फिर वो नुकसान दिए कार्य वही चाकू कर देता है। तो कैसे अगर हम ये बात को भी सोचें कि हम अगर अपनी नियत ही ठीक रखें तो हमारे लिए जो भी एक सामान है, एक इस दुनिया में जहाँ विचरण कर रहे हैं, पदार्थ हैं हमारे, हमें कैसे उनका हमेशा सदुपयोग ही करना है ये मानते हुए कि परमात्मा ने दिए हैं तो बस उसका शुक्रिया है, और जो भी हमारे पास साधन है उसको सिर्फ परोपकार के लिए ही लगाएं। हाँ जी डॉक्टर, आखिर जीवन रक्षक जीवन भक्षक डाकू है। तो यही उदाहरण आगे बढ़ता हुआ कि डॉक्टर ने तो फिर उस चाकू से रक्षा करी है एक इंसान की, और डाकू ने उसी इंसान को नुकसान दे दिया। तो ये बात ऐसी है कि नियत की ही बात है कि जब एक अच्छा कार्य हमें करना है, हमने उसकी तरफ अपनी ये ध्यान लगाया और सोचा इसको एक रूप दें अच्छा, तो वहीं से ही अगर जिस तरह हम सत्संग में भी आना चाहें तो हम अपने घर से जब निकलते ही हैं सत्संग के लिए तो ही हमारे मन में वो अच्छे सुंदर भाव आते हैं कि आज सत्संग जाना है, कुछ सीखना है, अपनी ज़िंदगी को और बेहतर करना है। तो वैसे ही एक अगर हम यात्रा अपनी कर भी रहे होते हैं उसमें भी हमें ये निरंकार का एहसास लगता है कि टाइम से सत्संग पहुंच जाएं, अच्छे से महात्माओं जो भी बोलेंगे किस रूप में बोलेंगे वो सुनेंगे भी, तो भी हमें अपने उसके बाद सत्संग का जब समाप्ति हो जाएगी तो कैसे वो सब भावों को अपने मन में बिठा के, अपने मन के भावों को शुद्ध करके, अपने कर्मों में वो जब तक बातें नहीं डालेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसे ही इसी उदाहरण में भी कि ये डॉक्टर और चाहे एक डाकू की बात है, पर हम इसको किसी भी एस्पेक्ट में देखें, बात सिर्फ इतनी है कि मन अगर हमारा शुद्ध है, हमारी सोच शुद्ध है, तो हमारा एक भाव के बाद हम उसको कर्मों में भी एक शुद्धता डाल सकते हैं। हाँ जी, दिखने में है एक से दोनों भाव मगर है जुदा जुदा। तो कैसे एक इंसान का जो आकार है वो डॉक्टर का भी वही होता है, डाकू का भी वही होता है, एक अच्छे इंसान का भी एक मूरत इस दो आँखों एक नाक होठ कान ऐसा ही दिखता है इंसान वो। पर बात ऐसी आती है कि इंसान को देखकर हम ये जज नहीं कर सकते कि वो कैसा इंसान है, दिखने में सभी इंसान एक जैसे हैं, पर अगर हमें यही देखना है कि कौन इंसान कैसा कर्म कर रहा है उसी से हमें पता लगता है कि हमें इस इंसान के पास जाना है, ये तो बहुत अच्छी बातें करता है, इसका जीवन देखो कितना सुंदर है, हमें इससे शिक्षा लेनी है, हमने इसके जैसा बनना है। और वहीं दूसरी ओर अगर इंसान हम ऐसा देखें जो कठोर वचन भी बोल रहा है, खुद भी परेशान है, औरों को भी परेशान कर रहा है, तो हम हरगिज़ उस इंसान के पास नहीं जाना चाहेंगे। तो इंसान ही है, ये पांच तत्व जो है वो हर इंसान में है, पर हम अपनी सोच अपने दिल हमारे पास जो ये चेतनता है ये ब्रह्म ज्ञान है हम उसका कैसे सदुपयोग कर रहे हैं वो हमारे हाथ में है। हम कैसे अपने जीवन की दिशा को कहाँ ले जाना चाहते हैं ये भी हमारे हाथ में है। हाँ जी, एक बुराई करता हरदम एक भलाई करे सदा। तो कैसे ऐसा ही इंसान जो हमेशा उसके पास अगर तो उसकी जैसे अभी ये डॉक्टर का ही उदाहरण चल रहा है कि कैसे अगर तो एक डॉक्टर की भी मति खराब हो गई तो फिर उसको भी अगर वो सर्जिकल नाइफ मिलेगी तो उसने भी नुकसान पहुंचाना है। और एक अगर डाकू का भी उस समय हृदय में परिवर्तन आ जाए तो उसने भी वो चाकू हाथ में होते हुए किसी के चोट नहीं पहुंचा सकता। तो बात कोई ऐसी नहीं है कि हम संसार में काम क्या करते हैं, बात सिर्फ वो इरादे की, वो मन के भाव की और वो कर्म पे आ जा रही है। देंगे हम ऐसा सोचेंगे कि अगर किसी ने कुछ नुकसान किया है हमारा तो भी उसके लिए ये परमात्मा से यही अरदास रहेगी कि उसको क्षमा करना, उसके अंदर अगर कोई भाव बिगड़ रहे हैं तो उसकी मति में अगर कुछ खराबी है तो दातार उसको ठीक सोच बख्शे, दातार उसके कर्मों को सुधार दे,
और कैसे फिर वही उदाहरण आ जाता है फूल का, कांटों का, कि कैसे शायर भी एक फरमा रहे हैं कि फूलों ने तो निभा ली कांटों से, पता नहीं इंसान किस दिन इंसान से प्यार करेगा, कि कहाँ ये चोट पहुँचाने वाले जो कांटे होते हैं, फूल तो उनके साथ विचरण कर रहे हैं फिर भी उनसे नफरत नहीं कर रहे, ये पता भी है कि फूल की पंखुड़ी छुएगा अगर कोई व्यक्ति तो उसके हाथ में खुशबू होगी, पर फिर भी अगर उसी के फूल के नीचे थोड़ा हाथ पंखुड़ी से नीचे लग जाए तो कांटे चुभेंगे उस इंसान को। तो ये बात जानते हुए भी फूल कोई अपना दर्जा ऊपर नहीं समझते, कांटों का नीचा नहीं समझते, बल्कि एक ही स्टेम के ऊपर दोनों रहते हैं। तो और साथ ही ये इंसान की बात आ रही है कि फूलों ने भी जहाँ कांटों से निभा लिया है, पर हम इंसान होकर एक परमपिता परमात्मा की एक अंश होकर भी अगर हम आपस में एक दूसरे से नहीं बोल पा रहे हैं, मन में भेद रख रहे हैं, जाति पाति का हो चाहे रंग का हो किसी तरह का भी, अगर हम दूसरे को अपने से नीचा सोच रहे हैं तो ये हमारी ही सोच में खराबी है, दूसरे इंसान में खराबी नहीं है। हाँ जी, कभी किसी के लिए हमारे मन में ना दुर्भाव हो। तो कैसे ये हरदेव वाणी में इस शब्द का सारांश जो निकल के आ रहा है कि हम अपने मन के अंदर हर एक के लिए भला ही सोचें, हम हर एक के लिए यही सोचें कि हर कोई हमारा ही है, हर कोई अपना ही है, इस हद तक कि अगर हम किसी को मिलते हैं जब उसके चरणों में ये धनंकार करते हैं तो हम यही मानते हैं कि ये शख्स भी तो ऐसा ही है जैसा मैं हूँ, क्योंकि जो मेरे अंदर परमात्मा है वो अगले सामने वाले के भी अंदर है और उसी परमात्मा को यहाँ नमन हो रहा है। हम जिससे भी मिलें हमें अपना अक्स उसके अंदर नज़र आए। तो ऐसा जब ये संसार बन जाएगा, जब हम दूसरों के लिए भी अपने मन से शुभकामना रखेंगे, तो ही हमारा जीवन असल में एक वर्थ लिविंग लाइफ बन जाएगा। एक जीवन जीने की कला क्या होती है वो दूसरों के लिए मन में हित रखने की बात आ जाती है। तो दासी और अधिक समा नहीं लेना चाहेगी, हर एक का भला करते जाएं और जो हमें मिला है उसका सदुपयोग करके परमात्मा का शुक्राना करते जाएं। सात संगत जी, प्यार से कहना, धार नंकार।